सिंगल आर्टिकल वो कैन कवर इज इफ यू डूट ऑफ यूर ओन रिसर्च कोरल रीफ क्या है? अगर आपने कर है तो आपको सिर्फ अपनी बुक खोल के इसको रिवाइज ही करना है न्यूज पेपर में नहीं है ये आज देन आपको सेकेंड कंसेप्टे इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता नहीं सकता या आधी रात को भी आपसे कोई उठा के पूछ ले आपको बहुत ईजिली सरल तरीके से समझाना आना चाहिए सो so, अभी बहुत क्विकली मैं आपको बताने लगा हूं एनवायरमेंट की क्लासेस में हम बड़ी बड़ी डिटेल में ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं अभी क्विकली समिंग ओनली राइट सो कोरल पॉलिप्स ये एनिमल्स होते हैं राइट right? बहुत छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स इन दोशन मिलते हैं इनका सिंबायोटिक रिलेशनशिप है डू यू अंडरस्टैंड वॉट इज रिलेशनशिप योर स्कूल बुक्स मल्टीपल टाइम्स सीआरटी राइट सो देव अटिक रिलेशनशिप विदले वाइट इट इज एन एलगे म्यूचुअल रिलेशनशिप सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि कुछ आदान प्रदान हो रहा है दैट बोथ दीज ऑर्गेनिजम दे आर गिविंग समथिंग टू ईच अद सिंबॉयटिक रिलेशनशिप अच्छा, ये हो एनिमल्स ये हो गया एलगी अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता दूं, फोटो कौन करता है एनिमल्स करते हैं प्लांट्स करते हैं एनिमल्स नहीं करते राइट? अगेन सिक्स क्लास की साइंस की एनसीआरटी इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज नाउ जो हमें सिखाती है कि सन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी बिकॉज प्लांट्स कैन डू फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ हैं. Plants, क्यों? क्योंकि हो है, animals, हम सब लोग जो हैं एनिमल्स हम नहीं कर पाते तो वैसे ही ये एनिमल भी नहीं कर पाता तो प्लांट्स के साथ साथ एल्गीज कर सकते हैं तो ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस और जैसे हम प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेते हैं ये भी न्यूट्रिशन सप्लाई करता है किसको पॉलिप्स को राइट अब सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप है ये भी हम एनवायरमेंट में कवर करते हैं वो आपको चार्ट याद आ रहा होगा कि दोनों बेनिफिट कर रहे हैं दूसरों को एक बेनिफिट कर रहा है दूसरा नुकसान कर रहा है जब भी दो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है राइट सो उसी में जो सिंबॉयटिक रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों कुछ देते हैं तो ये क्या देगा ये देगा सपोर्ट कौन सी सपोर्ट मॉरल सपोर्ट नहीं ये जो जानवर है इसका स्केलेटन इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये बहुत इजी कंसेप्ट है राइट right? ऐसे फजूल में साइंस आ गई तो घबराने वाली बात नहीं हो गई है ध्यान से सुनो सो so, ये इसका स्केलेटन इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज हार्ड जस्ट लाइक योर टीथ राइट सो इसके स्केलेटन में ये रहता है बिकॉज अदरवाइज दिस एलगे इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि ये ओशन में खुले घूमता रहे इसको रहने के लिए कुछ मजबूत बेस चाहिए और वो कौन दे रहा है कोरल पॉलिप्स दे रहे ठीक है जी फिर ये जो जानवर मरते जाएंगे दीज कोरल पॉलिप्स दे आर गोइंग टू डाई द कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू गेट डिपॉजिटेड वो डिपॉजिट होते जाएंगे हजारों साल होते ही जाएंगे आइलैंड्स के आइलैंड बन जाते हैं ठीक है जी इस स्केलेटल डिपॉजिट से ही आइलैंड्स बन जाते हैं जैसे इंडिया का लक्षद्वीप कोरल आइलैंड right? right. so, है इसको रहने के लिए जगह दे रहा है प्रोटेक्शन दे रहा है सपोर्ट दे रहा है साथ ही में जू जेंथले एक और चीज करता है इसको कलर भी करवा देता है तो बेसिकली कोरल पॉलिप ने किराए पर दिया हुआ अपना टन बस शर्त ये है कि एक न्यूट्रिशन देना पड़ेगा एक रंग करवाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस सिंबॉयटिक रिलेशनशिप दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट वैसे ही ओशन में दीज आर नोन एज द रेन फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है क्यों ये सिंबलाइज करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ठीक है जी सी so अगर इस समंदर में जहां पर भी है जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको मैंने बताया वहां पे या तो आपको एटलेस में कोरल सी दिख गई होगी देखिए आपको या ग्रेट बैरियर रीफ भी दिख गया होगा अगर आपने जूमड इन मैप थोड़ा सा देख लिया होगा द ग्रेट बैरियर रीफ ये दुनिया के सबसे बड़ी कोरल रीफ है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है एंड किसी भी समंदर में जहां पर भी कोरल आपको मिलेंगे जहां पे ऐसा सिम्बैटिक रिलेशनशिप है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और भी स्पीसीज समंदर की इनके ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए वहां पर अगर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल से एवरेज से ज्यादा हो गया कम हो गया पोल्यूशन आ गया केमिकल आ गया तेल गिर गया ऑयल स्पिल हो गया कोई वहां से शिप जा रही थी एक्सीडेंट हो गया राइट एनी डिस्टर्बेंस इफ इन दैट रीजन जहां पे कोरल रीफ है ये भाग जाएगा ये सर्वाइव नहीं कर सकता अगर कंडीशन ऊपर नीचे हो जाए तो जैसे किसी भी नदी में अगर कुछ पोल्यूटेंट आता रहे आता रहे वहां की मछलियां खत्म हो जाती हैं मर जाती हैं भाग जाती हैं वहां पे आपको लिविंग स्पीसीज मिलनी बंद हो जाएगी वैसे यहां पर भी होता है और जब ये भाग जाएगा तो क्या होगा ये स्केलेटल डिपॉजिट तो वहीं पे है तो इसका रंग उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और जब इसका रंग उड़ना हल्का हल्का स्टार्ट होगा एनवायरमेंटलिस्ट सरकारें वो समझ जाती हैं सरकारेंटार्ट होगी ब्लीचिंग यही हो होता है ना रंग उतारना ठीक है जी इज फाइन दो सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के कंसेप्ट आपने समझ लिए अगर आपको समझ में आ गया इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड प्लीज अगेन अगेन अ रिमाइंडर वाई न्यूज पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज आर्टिकल्स अब जिसने एनवायरमेंट नहीं किया उसको भी ये चार चीजें समझ में आ गई एनवायरनमेंट की क्लासेस में एक और रिवीजन हो जाएगी एंड फिर आप खुद भी सेल्फ स्टडी करोगे उसके बाद अगेन दैट विल हैपन व्हाट आधी रात को उठ के कोई आपसे पूछ ले भाई कोरल रीफ क्या होती है आप सरलता के साथ जो उसको समझ में आए समझा पाओगे एक बात है अब ये क्या करना होता है हमें लेट्स इमेजिन न्यूज़पेपर क्लासेस नहीं है आपके पास आप क्या करो आपको देखिए ग्रेट बैरियर रीफ इन द ऑस्ट्रेलिया आप गूगल करो क्या चीज होती है वहां पे आपको दिखेगा कोरल सी अभी तो मैंने आपको बता दिया ये सारा कुछ यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ यहां पे जो तो चीजें लिखी हुई हैं दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बड़ा अलग अलग डेटा न्यूज में आता रहता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि अगर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री से टेम्परेचर ना बढ़ाने का हमने लक्ष्य रखा है वो पूरा हो भी जाता है तो भी जो चल रहा है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग विच इज ऑल्सो वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ द ओशंस उसकी वजह से अगर हम इससे टेम्परेचर नीचे रखते हैं तो भी 70 टू 90 परसेंट ऑफ कोरल कैन बी लॉस्ट राइट एंड जैसे जंगल कट जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी वैसे ही समंदर में जो मरीन लाइफ है अगर वो हार्म होगी तो भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी